भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई, जिसमें पुष्कर से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव राज्य मंत्री राजस्थान सरकार सुरेश सिंह रावत को ही भाजपा का प्रत्याशी बनाया। इसका समाचार पुष्कर क्षेत्र सहित पूरे जिले में होते ही क्षेत्रवासियों और जिलेवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कार्यकर्ताओं में और क्षेत्रवासियों में उत्साह, उमंग और जोश का अद्वितीय संचार हुआ। भाजपा का सिंबल लेकर पहली बार अपने निवास पर पधारने पर क्षेत्रवासियों ने काफी बड़ी तादाद में उनके निवास पर जाकर तीसरी बार पुनः पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने की शुभकामनाओं का साफा पहनाकर और फूल मालाओं से अभिनंदन किया। सुरेश सिंह रावत ने बताया कि ये टिकट मेरा नहीं, जनता का टिकट है। जनता ने हमेशा से जो अथाह प्यार, स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन मुझे प्रदान किया, उसी के परिणामतः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे टिकट देकर पुनः मुझ पर अपना विश्वास प्रकट किया। पिछले दो कार्यालयों में मैंने अपने संपूर्ण समर्पण भाव से पुष्कर के विकास और क्षेत्रवासियों के जन कल्याण के लिए कार्य किया है, जिससे पुष्कर क्षेत्र की अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान स्थापित हुई है। पवित्र पुष्कर सरोवर में जाने वाले गंदे पानी की स्थायी रोकथाम के लिए भी प्रयास किया, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो जाने के कारण इस पर अभी काम बाकी है। पवित्र पुष्कर सरोवर में सीवरेज एवं बरसाती पानी के साथ जाने वाले गंदे पानी की स्थायी रोकथाम, वृहत परियोजना, पुष्कर को टेंपल टाउन का दर्जा, काशी और महाकाल की तर्ज पर भव्य पुष्कर कॉरिडोर, अजमेर पुष्कर घाटी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुरंग निर्माण, रूपनगढ़ कॉलेज का भवन निर्माण प्राथमिकता, पुष्कर चिकित्सा केंद्र भवन निर्माण, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में कराए गए कार्यों पर सरकार की अनदेखी से जीर्ण शीर्ण कार्यों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार, 24 कोशीय पुष्कर परिक्रमा मार्ग में विकास एवं सौंदर्यकरण, रूपनगढ़ ग्राम पंचायत को नगर पालिका में क्रमोन्नत, रूपनगढ़ में नवीन कृषि मंडी के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हूं। रावत ने बताया कि टिकट मांगने का अधिकार सबका है, लेकिन पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब सभी पार्टी के कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस सरकार के जंगलराज, भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ क्षेत्रवासी स्वयं चुनाव लड़ेंगे। भाजपा का टिकट जनता का है, सभी मिलकर पुनः जगत पिता ब्रह्मा जी के पुत्र क्षेत्र पुष्कर राज में कमल का फूल भारी बहुमत से खिलाकर मोदी को मजबूत करेंगे। मोदी मजबूत हुआ तो भारत माँ का खोया वैभव और गौरव पुनः शीघ्र ही शत प्रतिशत प्राप्त होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूँ, और साथ ही हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जो पुष्कर विधानसभा के हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। प्रदेश नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूँ और राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूँ, और साथ ही हमारे परम पिता ब्रह्मा जी है उनके श्री चरणों में, और तीर्थराज पुष्कर महाराज के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, और पुष्कर विधानसभा की समस्त 3600 कौम की जो जनता है, सभी लोगों के स्नेह से और प्यार से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पुनः प्रत्याशी बनाकर और मेरे जैसे छोटे से गांव और ढाणी में रहने वाले कार्यकर्ता पे उपकृत किया। इसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और साथ ही हमारे पुष्कर विधानसभा के देवतुल्य जो कार्यकर्ता है, देवतुल्य जो जनता है, हमेशा पलक पावड़े बिछा के मेरे को एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में हमेशा आशीर्वाद प्रदान करती है। उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उनकी उनके आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, और मैं कोशिश करूंगा कि जो काम पिछले कार्यकाल में मैं नहीं कर पाया किसी कारण से, अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर पिछली बार भी ऐतिहासिक काम हुए थे, इस बार जो हमारे गांवों के अंदर चाहे रोड का मामला है, चाहे हमारे गांवों के अंदर जो गांव-गांव के अंदर जो बिजली है, गली गली के अंदर विद्युतीकरण का और बिजली का काम करना है, रोड लाइटें लगवानी है, और भी बहुत सारे काम जो पेंडिंग है, वो निश्चित रूप से चुनाव के खत्म होने के बाद जैसे ही जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तीव्रगति से वो सारे के सारे काम करेंगे। आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय हो। सुरेश सिंह रावत जिंदाबाद। सुरेश सिंह रावत जिंदाबाद।